आज अपन देखने वाले हैं हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड का जो फॉर्मूला है H3PO2, और हाइपोफास्फोरस एसिड का एक और नाम है, इसको फास्फिनिक अम्ल भी कहा जाता है, फास्फिनिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले फास्फोरस को लाओ, ये फास्फोरस बना दिया। अब पहले एक ऑक्सीजन को आपको जोड़ना डबल बॉन्ड के साथ, इसके बाद ऑक्सीजन कितनी बच रही, एक, तो एक ऑक्सीजन को OH बनाकर जोड़ दो। उसके बाद ऑक्सीजन खत्म, अब बच रहे दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन को फास्फोरस के साथ सीधे अटैच कर दो। अब यहां पर जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी माना जा सकता है। जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है उस बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मान सकते हैं। अब यदि अपन पी डबल बॉन्ड ओ की बात करते हैं तो कितना दिख रहा है इसमें, वन पी ओ एच बॉन्ड, तो ये भी कितना दिख रहा है भैया इसमें, एक। उसके बाद पीएच बॉन्ड, एक दो। और यदि अपन बेसिसिटी की बात करें बेसिसिटी होती है OH के इक्वल, जितने OH ग्रुप होते हैं उतनी ही बेसिसिटी होती है। तो यहां पर OH ग्रुप कितना है, एक, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो भी कितनी होगी, वन। और इसको बोला जाएगा मोनो बेसिक, क्या बोलेंगे इसको, मोनो बेसिक, मोनो बेसिक।